बाबर आजम की अगर आप इनिंग देखें तो वो तो फिर एक साइड पे वाकई ऐसा मौका आ गया था कि वो बस देख रहे थे और उनके सामने विकेटें गिर रही थी। और अगर हम देखें ओवरऑल ही एंडेड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 129 यानी 58 बॉलें खेली और 75 रन उन्होंने वहाँ पे स्कोर किए। तो आपको लगता है कि बाबर के ये जो एक रिलेटिवली बिकॉज कोई खिलाड़ी अगर 58 बॉलें खेलता है तो यू एक्सपेक्ट हिम टू एंड अप विद अ हायर स्ट्राइक रेट इन T20 क्रिकेट। हमने रिजवान की अभी रिसेंटली एक इनिंग खेली थी, स्लो स्टार्ट लेकिन इवेंचुअली वो फिर काफ़ी तेज। तो आपको लगता है कि बाबर भी अंडर परफॉर्म कर गया बिकॉज बाकी जगहों पे तो कोई परफॉर्म करने को तैयार ही नहीं था कल जल्मी से? बिल्कुल, अगर आप बाबर का फर्स्ट 6 ओवर्स का स्ट्राइक रेट देखें या फर्स्ट 8 ओवर्स का स्ट्राइक रेट देखें तो वो 140 से अबव था शायद, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब एकदम 2 से 3 विकेट्स गिर गए तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी सिचुएशन में चले गए और उनको भी ये लगा कि यार मुझे एंड तक रहना है। तो एंड के चक्कर में जब आपके साथ कोई बैट्समैन नहीं था तो शायद उन्होंने ये सोचा हो कि यार हम अगर 170-180 भी कर लेंगे तो यहाँ पर अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि जैसे अगर आपने रिजवान की बात की तो रिजवान 100 या 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे फर्स्ट 8 और 9 ओवर्स में। लेकिन रिजवान की अच्छी बात ये थी कि उसके बाद उसने अपने बहुत सारा उसने गियर चेंज किया। तो बाबर से वो मुझे लगता है कि वो गियर चेंज नहीं हुआ आखिरी 4 ओवर में। अगर वो शायद उसके हिट्स लगते तो शायद 170-180 हो जाता, लेकिन उसके अपने हिट्स भी नहीं लगे आखिरी 4 ओवर में और वो गेम को थोड़ा सा लंबा लेने के किया, जो मुझे लगता है कि उस वक्त ठीक था क्योंकि बॉल आ भी नहीं रहा था उसके बाद। और फिर जब आपके बिल्कुल ही बैट्समैन आपके बिल्कुल साथ जा रहे हैं, एक जा रहा है दूसरा जा रहा है, तो फिर आप कई कोशिश होती है कि यार मैं एक सेट बैट्समैन मैं लंबा लेके जाऊं। तो लेकिन तो आखिर में अगर उसकी 2-3 ओवर में हिट लग जाते तो मुझे ऐसा लगता है 180 हो सकता था। इंजी भाई आपको आपको चिप इन कर रहे थे। मेरा ख्याल से कुछ आवाज इंजी भाई कुछ कह रहे थे जिस वक्त इमाम जवाब दे रहे थे अपना बाबर के हवाले से कुछ बात कर। अच्छा जी, बाबर जी जिस तरह भी बात हो रही थी कि शुरू खेला और बाद में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि जी जिस तरह का बाबर प्लेयर है क्योंकि जी आपसे हिट नहीं लगती। तो बिल्कुल जो सही बात है कि जी 6 ओवरों के बाद है ना इस्लामाबाद में हमें आउट क्लास किया जल्मी को, क्योंकि जी हमें आ रहे थे और हो भी क्योंकि जी आखिरी जो 5 ओवर थे जी जो हम खेले भी सही क्योंकि जी बाबर का तो हमने सिर्फ 28 रन बनाए। तो 5 ओवरों में 28 रन अगर आप करेंगे 125 से अगर आप 132 रन हमने किए तो यहाँ हमें ना थोड़ा सा हमारा हुआ कि यहाँ अगर हमें ना 50 रन भी कर जाते ना तो अगर हमारा कुछ होता क्योंकि जी 170 प्लस पे अगर हम चले जाते तो फिर इस्लामाबाद की जो यानी बैटिंग जिसको आप इतना फ्री खेलते हुए देख रहे थे फिर उनके ऊपर भी प्रेशर आना था। तो हम बेसिकली ये ना वाला प्रेशर नहीं डाल सके और स्पेशली उस चीज के बाद कि जिससे आप 70 रन कर लेते हैं और उसके बाद कोई भी टीम कम बैक करती है तो हुए थे और वो गेम में इन हुए थे तो उसमें तो फिर ना थोड़ा सा जरा उनका पलटना भारी था। जिस तरह हिटिंग की है उसके सारे हिट्स लग गए कि जी 6 ओवरों में 80 हो गया तो वो सारी चीजें ना उनकी उसमें चली गई। तो अच्छा दिन था उनका। तो मैं ये समझता हूँ कि जी हमारी टीम का ये करते हैं कि जी हर रोज खेलते हुए आप है ना तेज खेल रहे होते हैं किसी दिन लगती है किसी दिन मिस भी हो जाती है किसी दिन बॉलर्स का ये भी होता है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कराची में हर रोज 200 हो। तो मेरे ख्याल में क्योंकि जी उनका एक अच्छा दिन था हमारा एक बुरा दिन था हमारे लिए सीखने के लिए काफी सारी चीजें छोड़ गया है तो उनके लिए अचीवमेंट का डे था। बिल्कुल। और इरम जैसे बाबर की बात हो रही है मतलब अगर मैं बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं जो कि उन्होंने बहुत क्लैरिटी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने बहुत क्लैरिटी में ये किया कि जब पार्टनरशिप हारिस के साथ शुरू हुई वो एक कंफर्ट जोन था जहां पे वो पार्टनरशिप लगी जहां पे बाबर भी कंपेरेटिवली एक्सेलरेट करते हुए दिखे हारिस भी दिखे। मगर उसके बाद से जब जब पार्टनरशिप बनना शुरू हो रही थी और जहाँ वो एक्सेलरेशन पॉइंट आता था वहाँ ऑपोजिशन एक सामने की एक विकेट गिर जाती थी और जब जब वो उस मोमेंटम को कैचअप करने की कोशिश कर रहे थे तब तब ऐसा हो रहा था। तो इवेंचुअली फिर डिसीजन ये लिया जाता है कि जी मैं भी उस जल्दबाजी में आउट हो जाऊँ उससे बेहतर है कि जस्ट टेक इट डीप और जहाँ फिर मौका मिले वहाँ कर सकें। बट इवेंचुअली मौका आखिर तक कहीं ना कहीं मिला नहीं। जहाँ मिला शनाका के साथ वहाँ थोड़ा सा चिप इन किया मगर बहुत ग्रैंड कोई मौका नहीं मिल सका इरम जी। बिल्कुल इस बात पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुझसे भी गलती हो गई है कि कल मैंने बाबर आजम के लिए लगता है ज़्यादा दुआ कर दी थी उनकी टीम को मैं भूल गई थी तो इस शायद ये मुझे लगता है थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है। लेकिन
जोक्स अपार्ट के बाबर आजम ने जिस तरह कल खेला है, मुझे लगता है जिस तरह उनकी पार्टनरशिप बाकी हारिस के साथ 70 to 80 तक तो बिल्कुल पिशावर जमनी बहुत अच्छा चल रहा था कि वाकई लग रहा था कि ये 190 ये तो इजीली करेंगे, लेकिन 80 के बाद जो इनकी इनका पिशावर जमनी का जो कोर था ना वो बिल्कुल कह लें कि जिसको हसन अली ने तबाह कर दिया, जिसमें निशम थे, पावल थे और TKC हैं, तो मुझे लगता है कि क्रेडिट थोड़ा हसन अली को भी देना चाहिए जिस तरह की उन्होंने आके बॉलिंग किया। जिस तरह पहला ओवर उनका था तो उनको देख के लग नहीं रहा था कि ये दोबारा इस तरह अच्छा कमबैक कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है मुझे लगता है उनको इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए। जिस तरह उन्होंने खुद को बैक किया है, वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे कल प्लेयर ऑफ द मैच लेते हुए, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और ओवरऑल इस्लामाबाद ने बहुत अच्छी कल क्रिकेट खेली है, चाहे आप बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें या फील्डिंग देख लें। पिशावर जलमी की थोड़ी सी मुझे लगता है फील्डिंग का भी कल थोड़ा सा ऑफ था, 3 कैचेस भी ड्रॉप हुए, अगर वो कैचेस बन जाते अच्छे हो जाते तो शायद सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता, हाँ लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है इस्लामाबाद ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और बाबर आजम ने ये बहुत अच्छा उनका डिसीजन था कि जिस तरह वो एंड तक लेके गए हैं ये ऐसा ही होना चाहिए एक कप्तान को। शायद अगर वो ये चीज़ ना सोचते कि मैं ज़्यादा लंबा लेके जाऊं तो क्या पता टीम 150 भी ना करती, पहले ही आउट हो जाती। तो मुझे लगता है उन्होंने अच्छा अंदर उन्होंने